खिचड़ी से आराम इसलिए होता है कि आप खिचड़ी को लोग ऐसा समझते हैं क्या है खिचड़ी, लेकिन खिचड़ी बहुत जल्दी पच जाने वाला आहार है। और खिचड़ी को बेसिकली जब वेजिटेबल खिचड़ी बनाते हैं तो ऐसा होता है कि वेजिटेबल खिचड़ी को पो पा नी बोला जाता है, पोषक, पाचक और निष्कासक। इसको पापोनी भी बोल सकते हो, पाचक, पोषक और निष्कासक। अपने घड़ी साहब डॉक्टर आज घंटे में खाइए दो दो चम्मच के। अगर कोलाइटिस में या कोलाइटिस में नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि होंठ फट रहे हैं से लेकर के एनस फट रहा है तक, होंठ फट रहे हैं मतलब होंठ फट रहे हैं, एनस फट रहा है मतलब फिसर हो रहा है, तो फिसर ये मान लीजिए कि तब होता है जब पाचन तंत्र बिल्कुल सड़ जाता है, मल इतना हार्ड होकर के जब एनस से निकल के बाहर आता है कि एनस पे चटकन आ जाती है, उसी को तो फिसर बोलते हैं। तो होंठ से लेके एनस तक के जितने भी रोग हैं उन सारे रोगों का सबसे बढ़िया इलाज जो है वो चबा के खाना है। अगर सिर्फ कोई चबा के खा ले तो रोगों को 50% तो सिर्फ चबा के खाने से खत्म कर सकते हैं और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, और ये मैं नहीं बोल रहा, इसको आयुर्वेद ने प्रूफ किया हुआ है कि केवल शरीर की शुद्धि कर दो ठीक हो जाएगा, और चबाना शुद्धि में सबसे ज्यादा सहायक है। फ्रूट्स भी जितने चबा के खाओ, फ्रूट्स कोई भी चीज है अगर आप चबा के खाओगे तो वो काम करेगा बहुत अच्छा, क्योंकि चबा के खाओगे तो लार निकलेगी, चबा के खाओगे आंतों की चाल बढ़ेगी, चबा के खाओगे जो चबा रहे हो वो बिल्कुल चर्न हो जाएगा, वो बिल्कुल पिस जाएगा, और जब चबा के खाओगे तो आंतों की एक्टिविटी इतनी अच्छी हो जाती है, आंतों के जूसेस जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं या सर्कस एंटेरिकस जो आंतों से सीक्रेशन निकलता है वो पर्याप्त मात्रा में निकलेगा, और जब ये सब पर्याप्त मात्रा में निकलेगा तो फिर आपका आपकी पूरे की पूरी पाचन तंत्र की प्रणाली जो है ना वो मजबूत हो जाएगी। पापा जी तो उसमें पिसवा लेते मिक्सिंग। एक्चुअली क्या होता है, मैं अभी अभी एक पेशेंट को कह रहा था, कोई आए थे उनके दांत बिल्कुल खराब है, उनको लिवर सिरोसिस थी, अभी आके गए हैं, तो अब दांत बिल्कुल खराब हो गए हैं, ऐसे कंडीशन में अपन मिक्सी में तो पिसवा लिया अपन ने, लेकिन मिक्सी में पिसवाने के बाद आप उसको निगलो मत, मुंह में थोड़ी देर रोको और मुंह में चला लो, भाई दांत नहीं है इसका मतलब चबा नहीं सकते, मान लिया अपन, लेकिन चला नहीं सकते तो नहीं मानेंगे अपन, चला तो सकते ही, तो चला लिया। नहीं मतलब पापा हर चीज के लिए करते हैं, जैसे बाजरे की रोटी खाना है वो जो नेचर रोज रोज उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ। कोई चीज अगर मान लो दांत अपने नहीं है। हाँ। और किसी चीज को अपन दांतों से चबाने के योग्य नहीं है। हाँ। तो आप उसको मिक्सी में पीस दो, पेस्ट बना दो, और उस पेस्ट को मुंह में रख के आप जैसे चलाते हो ना मुंह में वैसे चला दो, जैसे आप पानी को चला के पी सकते हो, तो आप चला दो, चलाओगे तो लार निकलेगी, बढ़िया रहेगी, डेफिनेटली पूरा आराम हो जाएगा। तो ज्वार जो अपने अपने अधर आता कोई वाला ज्वार भगवान है। हाँ, ज्वार बिल्कुल वही देसी ज्वार है, छोटा छोटा ज्वार जो आता है बढ़िया। तो इंदौर में भी अच्छा ज्वार आता है अपने मिल जाओगे। हाँ नहीं अच्छा बढ़िया मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इंदौर में भी मिल जाएगा, आगर वागर के साठ में साठ जो इधर लोग बढ़िया करते हैं ज्वार, बहुत बढ़िया वहाँ आराम से मिल जाएगा। चलिए तो अपने यहाँ व्यवस्था करेंगे घर जाके, बिल्कुल जब तक नहीं होगी खिचड़ी खाना, दो दिन दो चार पाँच दिन दस दिन भी खिचड़ी खा लेंगे ना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। खिचड़ी सबसे ज़्यादा सुपाच्य आहार होती है, और खिचड़ी में सारी चीज़ें आ गई, खिचड़ी में अगर अपन थोड़ा सा शुद्ध गाय का, जो देसी गाय होती है उसका शुद्ध घी डालते हैं, तो चावल कार्बोहाइड्रेट हैं, दाल प्रोटीन है, आपने थोड़ा घी डाल के फैट पहुंचा दिया, आपने सब्जियां डाली हैं तो मिनरल्स और विटामिन पहुँच गए, इससे बढ़िया और पानी आप डालते ही हो, सब कुछ हो गया। घी तो गाय का दूध, हम लोग क्या देसी गाय का दूध, घी आप दिखा दो खिचड़ी को, जैसे अपन आपके लिए घी जो बोल रहे हैं ना कि अगर मान लो ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती तो अपन कह देते हैं, जैसे जिसको वजन बढ़ाना होता है वो खिचड़ी में घी डाल के बढ़िया अच्छे तरीके से खिचड़ी बना के खाए, वेजिटेबल खिचड़ी पूरा खाना हीमोग्लोबिन तो जैसे जैसे आपकी पाचन की क्षमता बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो दो चार पांच बूंद आप देसी गाय के शुद्ध घी की डाल सकते हैं, और वो भी आप छोंक मत लगाओ, बाद में जब खिचड़ी बन जाए हल्की गुनगुनी रह जाए उसके बाद फिर आप उस खिचड़ी को घी के साथ मिला करके फिर खा सकते हैं, वो चलेगा। पापा ही तो रसाल रसाल कह रहे थे बहुत दिन से, रसाल पढ़ लो रसाल, मेरे मम ने समझ नहीं पड़ रहा था दवाइयाँ चल रही कैसे रसाल पढ़ने हैं। रसाहार जो होता है ना वैसे अच्छा है, कोलाइटिस के केस में जब कहीं आराम नहीं मिलता है तब फिर एक छाछ कल्प होता है, तक्र कल्प, मठा कल्प बोला जाता है, कराते हैं छाछ में से जो दही में से पूरा मक्खन निकालने के बाद जो बचती है, कुल लिक्विड है उसको अपन लेते हैं,
लगातार वो ठीक रहता है। अच्छा। उसकी मात्रा बढ़ा दें, 4-5 ग्लास आप कही रहे, 4-5 ग्लास तो वैसे ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से लीजिए। चले दूध मंगाया भाई, गाय का दूध ही शाम को मंगा के रख दिया और बढ़िया फ्रिज में रख दिया, उठा के मलाई निकाल ली, पूरी दही लगा दी, चलेगा चलेगा, ये आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दूध तो 6 महीने से बहुत दिन से लगाएगा दूध, तो दूध दही चल रहा बना, चार जगह चल रही है, और 5-6 ग्लास तो वैसे ही चल रही थी। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस ये कि छाछ मतलब वही होता है जिसमें से मक्खन बिल्कुल निकल जाए। और बिल्कुल ही निकाल देते हम तो, क्या फ्रिज में दूध रखा, पूरी क्रीम निकाल दी पूरी कर, बिल्कुल ठीक है, मलाई करे अलग कर ली, उसके बाद दही जमाया, दही जमाने के बाद फिर उसको बिलो के उसका मक्खन निकाल लिया, उसके बाद जो बस्ती है उसको अपन ले सकते हैं, ठीक है चलेगा। मक्खन जितना निकले थोड़ा बहुत उतना निकालते, चलेगा। छाछ में जीरा, फिर छाछ आप अकेली ही प्लेन प्लेन कुछ नहीं, अच्छा ठीक है, प्लेन छाछ, चम्मच से पियो जैसे बच्चा दूध पीता है ना, चम्मच से अपन बच्चे को गोद में लेटा के पिलाते हैं, अब ये मान लो कि बिल्कुल वैसे ही खाना आपको खाना है, तो बालक के रूप में जब भोजन लिया जाएगा तो निश्चित ही वो पूरा का पूरा पोषण करेगा अच्छे तरीके से, ठीक रहेगा, ठीक है।